सही रुको वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सही रुको। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी वजह से सही का ये हाल है। पापा प्लीज सही को ठीक कर दो प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाँ सई जोशी एक्सीडेंट केस आगे आईसीयू में। थैंक यू। पुलकित तुम यहां कैसे? तुझे खबर किसने दी? मी दिली। हाँ पुलकित इस घर का दामाद है और सई का प्रोफेसर, उसे भी सही के बारे में पता होना चाहिए ना। अच्छा किया मानसी दाई ने। मैं सिर्फ सही का प्रोफेसर ही नहीं, उसका जीजा भी हूं। और सही की हालत ठीक है या नहीं ये जानने का मुझे पूरा हक है। I'm sure, आप लोगों में से कोई जिम्मेदार है सही की इस हालत का। अगर आप लोगों ने सही का ख्याल रखा होता तो आज वो यहां हॉस्पिटल में नहीं होती। ए पुलकित क्या कह रहे हो? मतलब क्या तुम्हारा? सही के साथ जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम तुम हम पे लगा रहे हो? सही का एक्सीडेंट घर के बाहर हुआ तो हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं बताओ? जो भी हो लेकिन आई एम वेरी श्योर आप में से कोई ना कोई पक्का जिम्मेदार है सही की हालत का। सही कोई लापरवाह या गैर जिम्मेदार लड़की नहीं है। जरूर किसी ने उसे कुछ कहा होगा जिसकी वजह से उसके दिल पे ठेस पहुंची, उसे गुस्सा आया, गुस्से में वो बाहर निकली और उसके साथ ये। कोई मुझे बताएगा कि सही के साथ क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूं। आई डिजर्व टू नो। बहनी और दादा के बीच में झगड़ा हुआ था, गुस्से में दादा ने बहनी को कुछ ऐसा बोल दिया जो तो नहीं बोलना चाहिए था। वहनी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से में घर छोड़ के चली गई। उनके साथ सड़क पर ये हादसा। मोहित क्या? लेकिन विराट का सही से झगड़ा हुआ क्यों? और विराट ने ऐसा क्या कह दिया सही से? विराट ऐसा क्या कहा तुमने सही से? उसे ऐसा क्या बोल दिया कि वो गुस्से में घर से चली गई? विराट बताओ जवाब दो क्या हुआ था? विराट मैं जानना चाहता हूं क्या बोला तुमने सही को? विराट तुम बताओगे? मैं बताता हूं जीजू। सही वहनी का दोस्त अजिंक्य, आप तो जानते हो उसे। वो घर आया था वहनी को कुछ नोट देने के लिए। विराट तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अजंक्य और सई एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, वो अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आई एम सरप्राइज्ड, तुम किस जमाने में जी रहे हो विराट? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी पिछड़ी हुई और छोटी हो सकती है। अगर एक लड़का जिसकी दोस्त बीमार है उसका हालचाल पूछने के लिए उसके घर चला गया तो तुमने उसकी नियत पर सवाल उठाया? विराट सही तुम्हारी पत्नी है, तुमसे बेहतर उसे और कौन जान सकता है? तुम सही पे शक कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो सही पे शक? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
मुझे मेरी गलती का एहसास है पुलकित, और आपका भी ऐसे मुझ पर गुस्सा होना जायज है, लेकिन अभी मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, प्लीज मेरी सही को एक बार देख लीजिए ना, प्लीज। यहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटे उसके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत। प्लीज एक बार देख लीजिए उसे, वो मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रहे। सही को बचाने के लिए जो करना पड़े कर लीजिए, उसे कुछ होने मत दीजिएगा, प्लीज सही को ठीक कर दीजिए। प्लीज पुलकित सुन लीजिए। क्यों क्यों चाहते हो तुम कि वो ठीक हो जाए? हाँ क्यों? Why? ताकि तुम दोबारा उस पर शक कर सको, नहीं दोबारा उसे कुछ भी उल्टा सीधा बोल सको, उसे मेंटली हैरेस कर सको। That's why? नहीं विराट, आज तुम्हारी वजह से सही क्रिटिकल कंडीशन में, और अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहूंगा। तुम कितने भी बड़े पुलिस ऑफिसर क्यों ना हो, लेकिन तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पुलकित बेटा, तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो अंदर जाके देख सकते हो ना सही कैसी है। वो ठीक हो जाएगी ना? हाँ काकू, मैं देख कर आता हूं। पुलकित अब जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, प्लीज मुझे अपने साथ सही के पास ले चलो, प्लीज थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, प्लीज मुझे मिलना उससे, प्लीज। बिल्कुल नहीं विराट, बिल्कुल नहीं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें सही से मिलने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सही से मिलने अंदर जाने दूंगा, सही तुम्हें देखेगी और उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। तुम्हें देखने के बाद सही को वो सब याद आएगा जो तुमने उससे कहा है, और उससे उसकी कंडीशन और क्रिटिकल हो जाएगी। एंड आई कांट टेक दैट चांस विराट, सही की जान के साथ मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। यू गेट दैट? प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज। सही को इतना कुछ बोलने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं, मेरे गुस्से को मेरे अपने आप पर हावी क्यों होने दिया। अगर सही को कुछ हो गया मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हेलो डॉक्टर कामले। हेलो डॉक्टर देशपांडे। सही इज फैमिली टू मी, उसकी कंडीशन कैसी है? नॉट गुड। अगले एक घंटे में होश नहीं आया तो मैटर बहुत सीरियस हो सकता है, कोमा में जा सकती हैं, या शायद बचे ही ना। Excuse me.